हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रुधि अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कुछ चीट कोड्स की जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। तो ये पार्ट वन है, मैं ऐसे और भी पार्ट्स लाऊंगी, तो आप लोग इस वीडियोस को देखना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर दो, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी या प्रीमियर होने वाला होगा। ठीक है, ये जो चीट कोड्स हैं हमारे, ये आपके बहुत काम आएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, 100% कोई भी चीट कोड जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है और सिर्फ चीट कोड से ही नंबर नहीं आते हैं। नंबर लाने के लिए हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन इन चीट कोड से ये है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने, जो आपको थोड़े प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं या दो स्टेटमेंट आते हैं तीसरा नहीं आ पा रहा है, तो आप इन चीट कोड से उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चीट कोड से। तो पहला चीट कोड है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। आज हम ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। तो इसमें है कि जैसे सपोज करो आपके क्वेश्चंस में दो या तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ओके, और फिर उनमें से पूछा है कि करेक्ट ढूंढना है आपको या इनकरेक्ट ढूंढना है, ये बात है। तो अगर उन क्वेश्चंस को आप, उन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ो, अगर उन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किए हैं जैसे ऑल या ओनली, जैसे दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या दिस स्कीम इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द इंडिया, तो ये चीज़ जो है, इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए हैं, ऑल ओनली ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो उनमें से एक स्टेटमेंट जो है, अगर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो एक स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट होगा और एक स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। तो इसमें ये बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आप जब ही सॉल्व कर पाओगे जब आपको उनमें से एक स्टेटमेंट पूरा पता होगा, तो आप दूसरे को रॉन्ग मान सकते हो, या एक अगर सही पता है तो दूसरे को रॉन्ग, और अगर एक पता है आपको कि ये रॉन्ग है तो दूसरे को आप करेक्ट मान सकते हो। लेकिन जब भी, जब दोनों स्टेटमेंट्स में ऑल या ओनली इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चीट कोड, तो इसको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट चीट कोड जो होता है हमारा, जैसे आपके दो तीन स्टेटमेंट्स दे दिए किसी भी स्कीम को लेके, जैसे पोषण अभियान को लेके दे दिया, कोई और सी स्कीम को लेके दे दिए, और इसमें एक स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि पोषण अभियान इज कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री, कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिनिस्ट्री जो है वो गलत दी होती है, तो वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे पोषण अभियान है वो हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है उसके थ्रू आया है ये अभियान, लेकिन हो सकता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला दे दें तो उसमें भी तो आ सकता है भाई, फैमिली वेलफेयर के लिए भी तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो ये चीज़ है। तो हमेशा वो जो मिनिस्ट्री होती है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स वो गलत दी होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, अगर किसी भी पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में बात कर रखी है तो। देन थर्ड चीट कोड क्या है हमारा, जैसे एक सपोज करो कोई भी आपको स्कीम दे रखी है, कोई भी इनिशिएटिव दे रखा है, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना दे रखी है, उसमें कोई भी आपको दे दिया जैसे 18 साल से 45 इयर्स तक के लोग जो हैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो हो सकता है सपोज करो अगर यही चीज़ है 18 से 45 करेक्ट है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में वो करेक्ट नहीं देंगे, एज ग्रुप वाला जो फैक्टर है वो हमेशा गलत सही आता है, आपको बोल दिया जाएगा कि 30 से 45 इयर्स या फिर 18 से 35 इयर्स तक के एलिजिबल हैं या फिर 45 से 70 इयर्स तक के एलिजिबल हैं इस तरह से, या फिर कोई बच्चों के लिए अगर कोई स्कीम आई है जैसे स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए कोई स्कीम आई है और उस स्कीम का जो सही एज ग्रुप है वो है कि 0 से 6 इयर्स तक के बच्चों के लिए स्कीम है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा 6 से 12 इयर्स तक के लिए या फिर 0 से 12 इयर्स तक के लिए, या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए अगर क्लास वाइज कोई स्कीम आई है तो सपोज करो क्लास फर्स्ट से लेके और फिफ्थ तक की स्कीम है वो, लेकिन आपको एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक की स्कीम है या 8 से 12 तक की स्कीम है, तो इस तरह से। तो ये जो एज ग्रुप या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए हैं तो ये जो क्लास वाला जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट इनकरेक्ट आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ओके। देन नेक्स्ट चीट कोड है हमारा, अगर कोई क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट जो है एक्सट्रीमली लंबा है या उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं या बहुत सारे फिगर्स दे रखे हैं उसमें या फिर उसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखे हैं, तो ऑलमोस्ट वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं दे सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि रॉन्ग हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम वो स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट रहता है, जिस बहुत ज़्यादा लंबा है जिसको पढ़ने में टाइम लग रहा है या बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसमें या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड अगर यूज़ किए हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट चीट कोड आता है हमारा कोई भी स्कीम को लेके, तो सपोज करो हमारे पास तीन तरह की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रल स्कीम होती है,
एक स्टेट स्कीम होती है, कोई पर्टिकुलर स्टेट चलाता है, और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, थोड़ा सा हिस्सा स्टेट का होता है और थोड़ा सा हिस्सा सेंटर का होता है। तो सेंटर वर्सेस स्टेट रेशो होता है। तो जैसे सपोज करो सेंट्रल स्कीम है, स्टेट स्कीम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें क्या दे देंगे, जो सेंटर वर्सेज स्टेट वाला रेशो है आपका वो गलत दे देंगे। जैसे 60:40 है तो आपको 50:50 दे दिया जाएगा, या 80:20 दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ गलत देंगे। और इसलिए स्कीम्स जो है उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं एक तो, और कहाँ से स्पॉन्सर हो रखी है। सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है पूरी तरीके से, स्टेट कर रहा है, या फिर सेंट्रल और स्टेट जो है वो मिलके कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे नॉर्मल अगर किसी भी स्टेट के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है तो उसका रेशियो रहता है 60:40। लेकिन जो हिली एरियाज हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं उसमें सेंटर वर्सेस स्टेट का रेशियो रहता है 90:10। मोस्ट कॉमनली ये रहता है, चेंज हो सकता है पर मोस्ट कॉमनली ये रहता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये बातें। तो सेंट्रल स्टेट स्कीम में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में रेशियो चेंज करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के 5 चीट कोड्स। ऐसे ही रोज मैं आप लोगों के लिए 5 चीट कोड्स लेके आऊँगी, तो आपको अपने एग्जाम को सॉल्व करने में, अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी इनसे। और जैसे मैं बताती हूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर सॉल्व करके देखना कि आपके कितने सही होते हैं। ओके, और कोई भी चीट कोड 100% करेक्ट नहीं होता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही हम ये चीट कोड लगा सकते हैं। आपको किसी भी एक, जैसे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से एक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारे चीट कोड्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, इन चारों जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।